सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। फाइनली एक और सेल आने वाली है, ब्लैक फ्राइडे सेल, जो कि आपको फॉरेनर कंट्री में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन इंडिया में भी अब मनाया जाता है ये ब्लैक फ्राइडे सेल, जो कि आपको अमेजोन और आपको फ्लिपकार्ट में देखने को मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट में पिछले साल भी आप सभी को ब्लैक फ्राइडे सेल देखने को मिली थी और अच्छी तरह से फ्लिपकार्ट टीज भी करता है इस सेल को। तो पता नहीं अमेजोन पे आएगा भी कि नहीं ब्लैक फ्राइडे सेल। अगर आएगा तो अमेजोन को फ्लिपकार्ट को टक्कर देनी पड़ेगी अच्छी खासी। तो सभी आईफोन्स में एक बार फिर से आप सभी को अच्छी खासी प्राइस ड्रॉप देखने को मिलने वाला है दोस्तों इस साल के ब्लैक फ्राइडे सेल में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं सारे आईफोन्स की प्राइसिंग से। तो सारे ही आईफोन्स का प्राइसिंग मैं एक एक करके बताने वाला हूँ और इस वीडियो में टाइम स्टेप दे दूंगा, आप सभी अपने फेवरेट आईफोन्स को जाके देख सकते हैं कि क्या इसकी प्राइसिंग होने वाली है। तो बात करते हैं सबसे पहले आईफोन 12 मिनी के बारे में, जिसके भी करंट प्राइसिंग चल रही है 48,499। जैसे कि आप सभी ने बिग बिलियन डे सेल में इसकी प्राइसिंग देखा था 33-34 हजार के आसपास, लेकिन इस सेल में आप सभी को इतना प्राइस ड्रॉप देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ब्लैक फ्राइडे सेल में आप सभी को इसकी प्राइसिंग देखने को मिलेगी 42,000 से लेकर 43,000 तक देखने को मिल जाएगा इसकी प्राइसिंग। और वहीं बात करते हैं आईफोन 12 के बारे में, तो जिसकी अभी करंट प्राइसिंग चल रही है 59,999, और वहीं इस सेल में आप सभी को इसकी प्राइसिंग देखने को मिल सकती है 52,000 से लेकर 53,000 तक इसकी प्राइसिंग देखने को मिल सकती है। तो और वहीं बात करते हैं आईफोन SE 2020 के बारे में, जिसकी अभी करंट प्राइसिंग चल रही है 29,999, और वहीं इस सेल में इसकी प्राइसिंग आप सभी को 26,000 से लेकर 27,000 तक देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप सभी ने बिग बिलियन डेज में इसकी प्राइसिंग 23,000-24,000 तक देखने को मिली थी, इस सेल में आप सभी को इतना प्राइस ड्रॉप तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन 26,000 लेकर 27,000 इसकी प्राइसिंग डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। और वहीं बात करते हैं आईफोन 11 के बारे में, जो कि अमेजोन पे आप सबको देखने को मिल जाएगा। अभी इसकी अमेजोन पे करंट प्राइसिंग चल रही है 47,900, और वहीं आप सभी को इस सेल में इसकी प्राइसिंग अप्रोच 40,000 से लेके या फिर 42,000 तक देखने को मिल जाएगी। और वहीं नेक्स्ट बात करते हैं आईफोन 10R के बारे में, जो कि एप्पल ने परमानेंटली इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, जिसकी अभी करंट प्राइसिंग चल रही है 33,999 के अप्रोच, और इस सेल में आप सभी को इसकी प्राइसिंग 32,000 से लेके 33,000 तक देखने को मिल जाएगी। लेकिन मेरी ओपिनियन में यह है कि आईफोन 10R के लिए आप ना जाएं तभी बेटर है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा पुराना फोन हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट ईयर इसकी प्राइसिंग और आपको कम देखने को मिल जाएगी। और वहीं बात करते हैं आईफोन 13 सीरीज के बारे में, तो आप सभी को इस सेल में आईफोन 13 सीरीज के किसी भी फोन में आपको कोई भी प्राइस ड्रॉप देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आईफोन 13 सीरीज के जो फोन है उसके शॉर्टेज ऑलरेडी चल रही है। अब पता नहीं चिप की वजह से या कुछ और भी मैन्युफैक्चरिंग कुछ डिफेक्ट की वजह से, इसलिए आप सभी को आईफोन 13 में कोई भी आपको प्राइस ड्रॉप देखने को नहीं मिलने वाला है ब्लैक फ्राइडे सेल में। और वहीं बात करते हैं एप्पल के एक्सेसरीज के बारे में, तो आप सभी को इस पे भी कुछ डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एप्पल वॉच, एयरपोर्ट्स वगैरह पे आप सभी को अच्छे खासे डिस्काउंट शायद देखने को मिल जाए। अगर कुछ भी डिस्काउंट मिलता है तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म जरूर करूंगा। और इस सेल में आप सभी को कोई भी आईफोन या कोई भी बताएं एक्सेसरी या मैकबुक वगैरह किसी भी में आप सभी को अच्छी खासी अगर प्राइस ड्रॉप देखने को मिला तो मैं उसको वीडियो जरूर बना दूंगा, एक और वीडियो जरूर बनाऊंगा। और वहीं बात करते हैं इस सेल की डेट के बारे में, तो जो कि पिछले साल की जो ब्लैक फ्राइडे डे सेल थी वो आपको 25 नवंबर से 13 नवंबर तक देखने को मिला था, तो इस साल भी आप सभी को ये सेल आप सभी को अप्रोक्स उसी डेट में देखने को मिल जाएगा, या एक दो दिन आगे पीछे भी हो सकता है इस सेल की डेट। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर कोई भी आप सभी को आईफोन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर से जरूर करने की कोशिश करूंगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद लगी, और पसंद लगी तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, थैंक यू।